पाकिस्तान अभी कोलैप करने के इकोनॉमिकल कोलैप पे जा रहा है। आप देखेंगे पाकिस्तान के जो रिजर्व डॉलर बचे थे वो भी अब माइनस में जाने शुरू हो गए, जो कि एक रिजर्व आपको पता होना चाहिए कि एक रिजर्व जब तक आपके डॉलर्स आपके फॉरेन अकाउंट्स के अंदर होते हैं तो आपकी मुल्क की जीडीपी, आपकी मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन पाकिस्तान के पास वो रिजर्व नहीं पड़े हुए। पाकिस्तान के डॉलर आप देख रहे हैं इस टाइम 250 पर जा रहा है, तो आप इस सब को देखते हुए कैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? कोई कंपनी ऐसी नहीं है कि जिसके थ्रू हम कोई वहां से टेक एक्सपर्ट मंगवा सकें, कोई कंपनी नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर आप उससे कंपेयर करें कि इंडिया के, ओ माय गॉड, कि वो 300 मिलियन का उनका हो सकता है बिजनेस सिर्फ फोर्ड के साथ हो, एक कंपनी का, टू प्रोवाइड टेक सपोर्ट। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान में अब ये चर्चा चल रही है कि भारत पूरी दुनिया के बिजनेसों को टेक ओवर करने जा रहे हैं, जहां पर आज आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में इंडियंस फैले हुए हैं और वो भारत का नाम वहां पर रोशन कर रहे हैं। इसलिए भारत की डिप्लोमेसी आज दुनिया में नंबर वन डिप्लोमेसी मानी जाती है। जहां पर पाकिस्तानी मीडिया का ये भी रोना है कि आज बड़े बड़े सेक्टरों में भारत के लोग काम करते हैं और उन्हीं सेक्टरों के सीईओज भी भारतीय हैं, और पर पाकिस्तान के लोगों को ये सब देखने को नहीं मिलता, क्योंकि पाकिस्तानी लोगों को कोई भी देश अपने यहाँ पर काम करने को नहीं बुलाता, क्योंकि उनकी स्किल्स भारत के लोगों के मुकाबले बहुत ही कम है और वो वैसे काम नहीं कर पाते जैसे भारतीय करते हैं। और यही कारण है कि आज पाकिस्तान भारत से पूरी तरह पीछे हो गया है, जहाँ पर भारत ने अपना एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा बना दिया था, और इसका कारण यह है कि आज हर एक देश के लोग चाहते हैं कि भारतीय लोग उनके देश में आके काम करें और उनकी देश की उन्नति करें। ऐसे ही चलते रहा तो क्या पाकिस्तान भारत के सामने टिक पाएगा? देखकर तो नहीं लगता, और अभी भी वो भारत के सामने नहीं टिक पा रहा है। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे, धन्यवाद। मेरी नज़र में इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है इस वक्त बिजनेस फील्ड में भी, एक्चुअली हेल्थ फील्ड में भी, और उनके पास एक सबसे बड़ा एज है उनकी जो पॉपुलेशन है, और वो स्पेंडिंग पावर रखते हैं, इसलिए तो दे वर एबल टू बीट द चाइना। बिल्कुल सही। इंडिया के बारे में जैसे जैसे न्यूज़ आ रही है, पाकिस्तान ने ये क्लेम किया था कि 5G हम इंडिया से पहले लॉन्च करेंगे, हमारे पीटीए ने ऑफिशियली तौर पर अपने वेबसाइट के अंदर ये क्लेम किया था कि हम इंडिया को बीट करेंगे 5G के ऊपर, नहीं कर पाया। इंडिया ने अभी 5G ऑफिशियली लॉन्च कर दिया। क्या कहना चाहेंगे कि कितना बड़ा कट मारा पाकिस्तान को? बहुत बड़ा कट है उनके लिए, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है उनके लिए, काफ़ी खुशाइन बात है, क्योंकि मैं एक यूके बेस्ड कंपनी में काम कर रहा हूँ और वो हमारे काफ़ी ऐसे बिजनेसेस हैं जो इंटरनेट के थ्रू चल रहे हैं, तो हमें 5G की ज़रूरत है, तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया के लिए, और एक मैं कहूँगा एक उनकी हमसे ज़्यादा आगे सोचने की कुव्वत है जो वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। जैसे कि स्टॉक मार्केटिंग पे हम दोबारा आते हैं, स्टॉक मार्केटिंग पे इंडिया का +10 पे जा रहा और चाइना का -23 पे जा रहा, माइनस पे हो गया। अभी इंडिया जो क्या है वो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया यूके को बीट करने के बाद, चाइना अभी दूसरे नंबर पर ही है। क्या नज़र आ रहा है आपको, अगर इसी तरह ग्रो करता रहा इंडिया को कहाँ देखते हैं आप स्टॉक मार्केटिंग में, उसके बाद इकोनॉमी के तौर पर कहाँ देखते हैं आप? एज पर देयर परफॉर्मेंस जिस तरह लेके चल रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी इंडिया काफ़ी एक्सेप्टेड है, तो मेरा ख्याल है इंडिया बहुत आगे जाने वाला है। पाकिस्तान क्लेम करता कि हम इंडिया को बीट कर देंगे हर एक सेक्टर के ऊपर, क्या पॉसिबल है इन सब सिचुएशन को देखने के बाद? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इकोनॉमी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे लास्ट ईयर में काफ़ी फ्लक्चुएशन रही हैं और इस तक भी चल रही हैं, तो मुझे लगता है हमें टाइम लगेगा। टेक इंडस्ट्री में इतने पाकिस्तानी ना आने की वजह क्या है? जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया इज नोन, वो IT की वजह से जाना जाता है, क्या आप समझते हैं इसकी एक रीज़न पाकिस्तान में वो टेक का जो बेसिक इकोसिस्टम ना होना ये वजह है, या कि आप समझते हैं कि जो लोग यहाँ पे मेजोरिटी आए दे वर नॉट एजुकेटेड, और इसकी वजह क्या है कि टेक इंडस्ट्री में ज्यादा पाकिस्तानी नहीं है? आप इसको क्या समझते हैं, एजुकेशन का मसला है या कि यूथ वो जो है उसमें उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से, क्योंकि इंडिया इज नोन फॉर इट्स टेक प्रेजेंस इन US? राइट, नॉट जस्ट US, इन मेनी मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जर्मनी में, यूरोप के तमाम ममालिक में, कैनेडा में,
इंडिया से लोग मौजूद होते हैं। तो उसकी वजह ये है कि एक तो ये कि एज अ कंट्री एंड एज अ नेशन इंडिया पिछले बहुत सारे डेकेड से उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने अपने इंटरनल एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनकी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस, उन्होंने बहुत वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए हैं। इसके बाद उन्होंने सर झुका के बहुत हार्ड वर्क किया, इसमें कोई शक नहीं है कि पढ़ाई पे उन्होंने अपने एजुकेशन को उन्होंने प्रायोरिटी बनाया कि बहुत ज्यादा उनकी जो लिटरेसी रेट है, जब आप 75 इयर्स अगो जहाँ पे पाकिस्तान था और जहाँ पे इंडिया था, तो अगर आप देखें तो हम थोड़ा सा पीछे को चले गए हैं और वो काफी सारा आगे चले गए। दूसरी बात ये कि उन्होंने उसको मोनेटाइज किया, उन्होंने कैपिटलाइज किया अपने उस एसेट को और उन्होंने उस चीज को बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू किया। तीसरी बात ये है कि जब उन्होंने नंबर एक के उनके पास वो कमोडिटी है, एक सेलेबल कमोडिटी, उन्होंने अपने ये हाईली ट्रेंड पीपल दे हैव प्रोड्यूस दोस। सेकंड, दे हैव डिसाइडेड कि भाई हमने इसको लेवरेज करना है कि ये बाहर हम भेजेंगे, इट्स लाइक इट्स अ कमोडिटी। तीसरी बात ये कि उनको इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो थे ना, वो मैंने बहुत सारी कंपनीज में काम किया है पिछले 22 साल में ऑटोमोटिव में, और तकरीबन हर कंपनी में जिसमें मैंने काम किया है उनके प्लांट्स इंडिया में होते हैं, टैक्स सेंटर्स भी होते हैं इंडिया में, प्लांट्स भी होते हैं। कोई कंपनी आज तक मैंने काम नहीं किया जिसमें इंडिया में टैक्स सेंटर्स ना हो, प्लांट्स ना हो। इसमें आप बड़े बड़े OEM जो कंपनीज हैं, जो जैसे फोर्ड, GM, क्राइसलर, जो US बेस्ड कारें हैं, इसके अलावा जो आपको यूरोपियन जो कारें हैं, जैपनीज हैं, इन सब के प्लांट्स आपको इंडिया में मिलते हैं। तो एक तो बात ये है कि जो जो रिलेशनशिप है उनके इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बहुत बिजनेस ओरिएंटेड हैं, और उनको मतलब उनके अंदर इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वेस्टर्न ब्लॉक कर भी रहा है, की भी है उसने पिछले बहुत सारे डेकेड से। वो उनके उनके पास कमोडिटी भी है, उनका रुझान भी है कि हमने इसको लेवरेज करना है। तो तीसरी बात ये, बिकॉज ऑफ द ग्रेट रिलेशनशिप्स दे हैव एब्सोल्युटली वंडरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर टू सेंड पीपल ओवर। अब मेरी टीम में आई मीन देयर हैव बीन टाइम्स कि भाई मेरी टीम में 9-10 लोग होंगे जो इंडिया में बैठे हुए हैं। मैं बाज़ुकात में वहां से लोगों को US में मंगवाती भी हूँ। आई कैनॉट डू दैट विद एनीबॉडी इन पाकिस्तान।